हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई ए सर्कल। आज है 31 अगस्त 2019। एंड चलिए हम लोग आज का डेली एमसीक्यू देखते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो था उसका क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो हमारे पास यहाँ पे तीन पेयर थे, एक मार्क का एग्रीकल्चर के साथ, रेरा का रियल इस्टेट के साथ, एंड NPPA का मेडिसिंस के साथ। तो ये तीन के तीनों पेयर करेक्ट हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी था, ऑल ऑफ द अबव। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ में आपको एक बगल में बेल आइकॉन मिलेगा, आप इसको ज़रूर प्रेस कर लें सो दैट आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएँ। एंड गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली MCQ। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है अबाउट तीन टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म दिया है, मार्केट बोरोइंग, स्पेशल सिक्योरिटी इशू बाई RBI एंड टी विल। तो इसमें ये पूछ रहा है कि विच अमंग द अबव इज आर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। तो यहाँ पे ये तीन के तीनों स्टेटमेंट इंटरनल डेप्ट हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें इंटरनल डेप्ट का तो ये क्या होता है, इंटरनल डेप्ट इज ओन बाई लेंडर विद इन द कंट्री। एंड अगर हम बात करें टी बिल तो गवर्नमेंट इसको बाई करती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर पब्लिश अ सेट ऑफ नोट्स इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स विडोहुड। तो हमारे पास यहाँ पे कुल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर हम डी को देखेंगे, स्वामी दयानंदा, तो ये भी इसका आंसर कभी नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर हम बी पे जाएंगे, राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल के ओल्ड विडो मैरिज एंड सती प्रथा पे काफ़ी फोकस किया था, बट ये इसका आंसर नहीं है। एंड यहाँ पे बात हो रही है इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स विडोवुड, राइट। तो ये 1884 में भाई बहराम जी मालाबारी कुछ नोट्स पब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है विच अमंग द बेलो इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होती है जिस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जैसे कि UPSC, राइट। एंड हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फोर यानी कि फाइनेंस कमीशन, इसका जिक्र हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। एंड 360 एंड आर्टिकल नंबर 360 में कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। यानी कि ऊपर के तीन ऑप्शन लाइक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसे CIC भी बोलते हैं, ये नहीं होगा, एज वेल एज CBC, ये तीनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, डिप्टी गवर्नर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया हार्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया। तो यहाँ पर चार हैं ट्राइब, तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर ए है भील्स ट्राइब, ये एक्चुअली इसके द्वारा सेलिब्रेट होता है। अब अगर मैं भील्स ट्राइब की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूं तो ये मध्य प्रदेश यानी कि जो मालवा रीजन होता है मध्य प्रदेश का, ये ट्राइब वहाँ पर पाई जाती है। एंड इस फेस्टिवल में ये होता है, जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो लोग अपने पार्टनर को चूज करके ईजिली इलोप हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। तो हमारे पास यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक के तीन स्टेटमेंट हैं। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, जॉन द फुका प्लेट इज प्रेजेंट इन सदर्न अटलांटिक ओशन।
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये नॉर्थ अमेरिका एंड ओशन के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, लाइक यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, अरबियन प्लेट इज़ ए ओशनिक प्लेट, तो ऐसा नहीं है। जो अरबियन प्लेट है वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है, लाइक यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सारी कंट्रीज है। लाइक जो अरब कंट्रीज़ होती हैं वो सारे हैं कंट्रीज़ इस प्लेट पर हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, नाजका प्लेट इज़ बिटवीन सदर्न अमेरिका एंड पेसिफिक प्लेट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है जुआन द फुका एंड यहाँ पर है पूरा पेसिफिक प्लेट, ठीक है। एंड ये है सदर्न अमेरिका एंड यहाँ पर ये नाजका प्लेट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट वन एंड टू इज इनकरेक्ट, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इन केस आपको स्टेटमेंट वन ना आता हो, बी ना आता हो एंड अगर आपको थर्ड आता हो तो भी आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। राइट, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है एंड नाजका प्लेट कहाँ पे होता है ये पता है आपको, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो एंड ये भी कर सकते हो, तो इसका आंसर वैसे बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशनिक वाटर इज स्लोअर देन लैंड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो लैंड एरिया होता है ये सबसे जल्दी गर्म होता है एंड ये सबसे जल्दी ठंडा भी होता है कंपेयर टू ओशनिक एरिया को। इसीलिए दिल्ली जैसे एरिया में सब ज़्यादा ठंडी पड़ती है एंड सब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि मुंबई, केरला वाले एरियाज़ में जो मतलब समुद्र के पास में है वहाँ पे टेम्परेचर आलमोस्ट एक सा रहता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, इनक्लोज सीज इन द लो लैटिट्यूड रिकॉर्ड रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर देन द ओपन सीज, तो ये इनकरेक्ट है। जबकि ओपन सीज में टेम्परेचर लोअर होता है, जबकि इनक्लोज सीज में टेम्परेचर नॉर्मली हाई होता है कंपेयर टू ओपन सी के। एंड अगर हम बात करें स्टेटमेंट थर्ड, इनक्लोज सी इन द हाई लैटिट्यूड हैव रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, तो ऐसा भी नहीं है। यानी कि अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि सी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट वन करेक्ट था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज बाई मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट लाइक विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज इज नोन एज, तो इसको सर्जिस के नाम से जानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। एंड हम अगर अच्छा ये मोमेंट ऑफ वाटर नॉर्मली सन एंड मून की वजह से भी होता है जिसको टाइड बोलते हैं, एंड ये दिन में दो बार होता है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेजोस्फीयर। तो यहाँ पे हमारे पास कुल तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, राइट। जैसे ये है ग्राउंड, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, बट अगर हम जब मेजोस्फीयर में जाते हैं तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा डाउन होता है, तो यानी कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन मोनोस्फीयर, नहीं ये तो बिल्कुल, ये तो अराउंड 75 किलोमीटर की हाइट तक होगा, तो इसमें तो ओजोन लेयर होने का सवाल नहीं होता, वो तो और ऊपर होगा, तो यानी कि स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो गया। अब चूंकि स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो गया तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग है तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो सकता है एंड थर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू के साथ हमारे तीन ऑप्शन एनिमिनेट हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब चलिए वैसे एक बार हम लोग सी स्टेटमेंट देख लेते हैं।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेजोस्फियर लाई अबोव द स्ट्रेटोस्फियर, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेजोस्फियर होता है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में दे दिया करो, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है। हमारे पास कुल चार ऑप्शन हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वर्ल्ड बैंक। तो गाइस ये था आज का डेली MCQ, एंड एक बिग न्यूज़ है कि मैं एक सुपर MCQ लाने का प्लान कर रहा हूँ, तो मे बी ये मैं कल से ला दूंगा या फिर इसको मैं नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइज अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें, सो दैट आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। एंड गाइज प्लीज़ आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।